दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग रूस के एक बहुत ही खूबसूरत सा नवासी ब्रिज को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों नवोसी वर्क नवोसी ब्रिज ओबलास्ट और साइबोरियाई संघीय जिला का सबसे बड़ा शहर और प्रशासनिक केंद्र है। 2021 के जनगणना के अनुसार इसकी आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास थी, जो इसे साइबोरिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर और मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बाद रूस का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाती है। दोस्तों यह रूस के एशियाई हिस्से का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। नवोसी ब्रिक्स दक्षिणी पश्चिमी साइबोरिया में ओब नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों नवोसी ब्रिक्स की स्थापना 1893 में भविष्य के ट्रांस साइबोरियन रेलवे की ओब नदी क्रॉसिंग प्वाइंटर पर की गई थी, जहां नवोसी ब्रिक्स रेल ब्रिज का निर्माण किया गया था। मूल रूप से सम्राट निकोलस द्वितीय के सम्मान में नवोनिकोलियन वेस नाम दिया गया। शहर तेजी से एक प्रमुख परिवहन वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। दोस्तों नवोसी ब्रिक्स रूसी गृह युद्ध के तबाह हो गया था, लेकिन शुरुआती सोवियत काल के दौरान ठीक हो गया और 1926 में इसका वर्तमान नाम नवोसी ब्रिक्स हो गया। दोस्तों नवोसी ब्रिक्स की स्थापना ओब के दाई और चैट टाटर्स द्वारा पारंपरिक रूप से बसे हुए क्षेत्र के पास की गई थी। रूसी शहर की उन्नति 30 अप्रैल 1893 के महान साइबोरियाई नदी ओब को पार करने वाले एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे पुल के भविष्य के स्थल पर हुई थी, और दोनों के सम्मान में नवोलियन वेस्क को रूप में जाने जाने लगा। दोस्तों 2 सितंबर 1962 नवोसी ब्रिक्स की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंच गई। उस समय यह 10 लाख सबसे अधिक आबादी वाला दुनिया का युवा था। दोस्तों नवोसी ब्रिक्स को यह उपलब्धि हासिल करने में 70 साल से भी कम समय लगा। 8 जून 1965 को शहर में एक नाटकीय हवाई करतब देखने को मिला, जब लेफ्टिनेंट वैलेंटिन प्रियोल ने अपना मिग 7 अक्टूबर ब्रिज के नीचे उड़ाया। एक छवि को कथित कर इस घटना को दिखाती है। दोस्तों नवोसी ब्रिक्स जिले के प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, भले ही यह इसका हिस्सा नहीं है। एक प्रशासनिक प्रभाग के रूप में इसे नवोसी ब्रिक्स शहर के रूप में अलग से शामिल किया गया है। दोस्तों जिले के बराबर स्थिति वाली एक प्रशासनिक इकाई भी स्थापित है, जो कि 2021 के रूसी जनगणना के अनुसार नवोसी ब्रिक्स की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। यह 2010 की जनगणना की तुलना में वृद्धि है, जब शहर की जनसंख्या 40,000 के आसपास थी। दोस्तों नवोसी ब्रिक्स के सबसे प्रसिद्ध पेड़ बर्च पाइन और एस्पेन है। कुछ पहाड़ी राख नागफनी यूस्प्रूस और देवदार भी मौजूद है। सेब राख एलम लीडेन और ओक यूरोपीय प्रजातियों के सफलतापूर्वक पेश किया है। दोस्तों नवोसी ब्रिक्स एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक परिसर में 224 बड़े औसत आकार के औद्योगिक उद्यम शामिल है। ये नवोसी ब्रिक्स क्षेत्र के सभी औद्योगिक उत्पाद का 2/3 से अधिक उत्पादन करते हैं। दोस्तों नवोसी ब्रिक्स एक सुदूर क्षेत्र है जो विज्ञान को समर्पित है। यहाँ रूस के विज्ञान अकेडमी साइबोरिया शाखा स्थित है, और यहाँ नवोसी ब्रिक्स स्टेट यूनिवर्सिटी भी स्थापित है। दोस्तों नवोसी ब्रिक्स में कई पुस्तकालय है। दोस्तों यह शहर सिनेमा हॉल, सर्कस और चिड़ियाघरों के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों इन सभी के अलावा आप यहाँ घूमने भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप अकबीर अकबामीर ट्रेलल NYY पार्क और नवोसी ब्रिक्स स्टेट आर्ट म्यूजियम जैसे जगहों को देखने जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा यह शहर और यह वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।